अलीगढ़ में आज शाहजमाल स्थित बड़ी ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की गई। इसके अलावा ऊपरकोट जामा मस्जिद सहित दूसरी अन्य मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई। ईद की नमाज को लेकर जिले में पुलिस प्रशासन के किए खास इंतजाम। सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही कई रूटों पर डाइवर्जन लागू किया गया। इस दौरान ड्रोन कैमरे से भी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी गई। लोगों ने एक दूसरे से मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए थे। लोगों ने अधिकारियों को भी मुबारकबाद दी है। आज खुशी का दिन है पूरे हिंदुस्तान के और ख़ासतौर से अलीगढ़ के लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख तमाम भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। और ये त्यौहार नहीं, हर त्यौहार भाईचारा पैदा करता है, मोहब्बत पैदा करता है, हर मज़हब भाईचारा पैदा करता है। मैं समझता हूँ कि बहुत खूबसूरत त्यौहार है और एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा इंतज़ाम किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का कहना है, आज तो पूरे देशवासियों को हमारी ओर से, हमारे क्षेत्र की ओर से, अलीगढ़ की ओर से ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। हम चाहते हैं हमारा देश तरह तरक्की करता रहे। और मैंने चार पंक्तियां भी गई थी ईद के ताल्लुक से कि महजर जबां जबां पे मोहब्बत के गीत हों, गुजरूं जिधर से प्यार की बोली सुनाई दे, फिर काश अपने मुल्क का ऐसा निज़ाम हो, होली में ईद, ईद में होली दिखाई दे। तो आज ईद है और ईद का पर्व हम बड़ी धूमधाम से भारतवासी मना रहे हैं। हम सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ईद की नमाज संपन्न हुई है और मैं सभी जनपदवासियों की ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और एकदम खुशी के साथ और एकदम पैगाम शांतिपूर्वक तरीके से ईद मनाई गई है। और इसमें जो है नगर निगम का और प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी रही है। तो कुल मिलाकर के जो है प्रशासन की तरफ से सभी जनपदवासियों की ईद की हार्दिक शुभकामनाएं।